के पार्टी का या हवा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आप यहाँ आयोजित किया इस अवसर पर, हम लोगों को भी आपने कहा कि आप यहाँ उपस्थित रहे, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पॉलिट ब्यूरो के सदस्य श्री राजा राम सिंह जी और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव श्री कुणाल जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब सलमान खुर्शीद साहब, हमारी पार्टी के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी और भाकपा माले के नेता विधायक दल और सदस्य केंद्रीय कमेटी जनाब महबूब आलम साहब, सदस्य केंद्रीय कमेटी श्रीमती प्रतिमा एनडीपी जी, बिहार प्रदेश राज्य कमेटी और पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग श्रीमती मंजू प्रकाश जी, एपना एपुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रति राव जी, एपुआ के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती मीना तिवारी जी, अध्यक्ष और माननीय सांसद वीसीके के श्री त्रिपुआ तिरुमा वेलमम जी, नेता विधायक दल भाकपा माले के और झारखंड में श्री विनोद सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय खेल ग्रामीण मजदूर सभा श्री सत्येंद्र राय जी, कांग्रेस के माननीय विधायक जनाब सलीम अहमद खान साहब, यहां उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण और भाकपा माले के सभी अधिकारी और सदस्यगण, नीतीश कुमार जी, भाकपा माले के महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, माले के बिहार राज्य के सचिव श्री कुणाल जी, श्रीमती रति राव जी, पूर्व विदेश मंत्री जनाब सलमान खुर्शीद साहब जी, श्रीमती प्रतिमा जी, जनाब महबूब आलम साहब जी, श्री तिरुमा बेलम जी, श्री सतदेव राम जी, श्रीमती मंजू प्रकाश जी, श्री संदीप सौरभ जी, श्री राजा राम जी, श्री दीपांकर झा जी, सभी को लाल सलाम। हमारे लिए बचा नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आज का जो शीर्षक जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात। देश का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट के जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय,
कश्मीर इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है, यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगता। और आपको ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाए, यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी। और खुशी की बात है, हम चाहते थे कि महाधिवेशन के अंदर एक विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए, हमारे पूरे विपक्ष के राष्ट्र के नेतृत्व यहाँ हमारे तमाम व्यक्तता के बीच में नीतीश जी हमारे बीच में थोड़ी देर के लिए आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, सलमान खुर्शीद साहब यहाँ पधारे हैं, और दक्षिण से सांसद हमारे ऋषि के नेता तिरुमा वर्धन भी यहाँ पहुंचे हैं, अपने सुना अभी जितना पार्टी को भी आना है, और हेमंत सोरेन जी नहीं आ पाए उनका एक संदेश है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जो आज का इस अपने कन्वेंशन का वो नारा रखा है कि हमारे सबके सामने बहुत साफ है कि आज देश में अगर संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र की बुनियाद खतरे में है, और संविधान और लोकतंत्र अगर इस देश में खतरे में है तो उस देश का क्या बचेगा, जनता का क्या बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आज देश में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए, देश को इस संकट से उबारने के लिए, जनता को बचाने के लिए और उनके सारे अधिकारों से रक्षा करने के लिए एक बहुत निर्णायक लड़ाई की जरूरत है, और निर्णायक लड़ाई के लिए व्यापकतम एकता चाहिए, निर्णायक संकल्प चाहिए, और इसीलिए आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो 70 का दशक सबको याद है, वो आपातकाल का थोड़ा दौर हम लोगों को याद है, वो आपातकाल आज के आपातकाल के भाई आपातकाल के आगे लगता है कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर थोड़ी देर के लिए संकट आया था, और वो जो दौर था उस दौर में हमें दिखा गया है, एक तरफ 74 का छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, जिस आंदोलन से नीतीश जी निकले हैं, जिस आंदोलन से लालू जी निकले हैं, आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले हैं, और उसी दौर में हमारी पार्टी भोजपुर के गांव में, पटना के गांव में संघर्ष कर रही थी, और हमारे महामंत्री उस समय के डॉक्टर वहां सहारा दे रहे थे। ये वही दौर था जब जॉर्ज साहब के नेतृत्व में रेलवे मजदूरों की अभी की हड़ताल हो रही थी, तो पूरे देश में बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन के दौर से हमें 77 में जा करके उस आपातकाल से छुटकारा मिला, और आज जिसको हमने कहा स्थायी आपातकाल, जिसका कोई अंत नहीं और व्यापक अघोषित हो सकता है, घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग जो आज सत्ता में है, जिस समय संविधान इस देश में हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे उस समय उन लोगों ने बिल्कुल आपके मंत्रण पर उनका प्रतिनिधि यहाँ आया, और आपके बिहार कांग्रेस की ओर से हमारे भाई शकील अहमद खान साहब, जिनके बहुत अच्छे संबंध आप सबसे हैं, वो भी यहाँ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय लल्लन जी, सब सभी सम्मानित यहाँ पर नेतागण जो पूरे देश से और विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं, और आप सभी महानुभाव, मैं आपको नमन करता हूँ। और अभी लाल संत सलाम की बात की भाई तेजस्वी जी ने, तो मुझे एक बात याद आ गई कि लाली देखन मैं गई, चित देखन के दलाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, तो ये मान के चलिए। और इस लाली में क्रांतिकारी भावना है, और मैं नमन करता हूँ इन सभी महान नेताओं को यहाँ, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ, और ये आपकी पार्टी का भी यही आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया, और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि
कि आपको अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए, पूरे भारतवर्ष में जहां जाए वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाए उसकी बात करेंगे, तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभव Thank you.